أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم السلام عليكم viewers आज मैं आपके सामने लेक्चरर फिजिक्स का जो पेपर हुआ था 15/1/2022 को उसके क्वेश्चंस और कुछ उनके करेक्ट आंसर्स आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। उम्मीद है आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी बेनिफिट हो तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन था, उर्दू पोर्शन में से आया हुआ था, वो था कि अल्लामा इकबाल की सबसे पहली किताब कौन सी थी। अल्लामा इकबाल की सबसे पहली किताब का नाम था इल्मुल इक्तसाद। क्वेश्चन नंबर सवाल नंबर दो की तरफ जाते हैं, मुनकबत किसे कहते हैं। ये भी एक उर्दू पोर्शन का सवाल था, मुनकबत किसे कहते हैं। मुनकबत ऐसी नज़म जिसमें बुजुर्गों की तारीफ की जाए, ये एक नज़म को कहते हैं, एक नज़म का नाम है जिसके अंदर बुजुर्गों की तारीफ की जाती है, इसे मुनकबत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ जाते हैं, मुस्लिम लीग का क़याम कब अमल में आया। मुस्लिम लीग जमात थी तो इसका क़याम कब, ये कब कायम हुई थी, तो ये 1906 में मुस्लिम लीग कायम हुई थी। क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ कौन। अब ये फिजिक्स पोर्शन में से, क्योंकि लेक्चर फिजिक्स का पेपर था तो फिजिक्स में से ये क्वेश्चन आया है कि वॉल्यूम ऑफ कौन कितना है। कौन का वॉल्यूम वी इज इक्वल टू पाई आर टू एच ओवर थ्री, ये इसका एक फार्मूला है वॉल्यूम ऑफ कौन को मालूम करने का। तो उन्होंने पूछा कि वॉल्यूम ऑफ कौन को मालूम करने का फार्मूला कौन सा है, वो वी इज इक्वल टू पाई आर टू एच ओवर थ्री है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ आते हैं, थर्ड हाईएस्ट माउंटेन पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में थर्ड हाईएस्ट माउंटेन कौन सी है, और उसका करेक्ट आंसर था के फाइव, यानी कि के फाइव जो है ये थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है। क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ आते हैं, इन ऑर्थोरोम्बिक एंगल्स आर, ऑर्थोरोम्बिक एंगल्स का एक क्वेश्चन आया हुआ था कि वो क्या होते हैं, उनके अंदर क्या होता है। उनके अंदर होता है कि इन ऑर्थोरोम्बिक लैटिस ऑल ऑफ द एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री व्हाइल ऑल ऑफ इट्स साइड्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, ये इसकी एक डेफिनेशन है जिसके अंदर उस क्वेश्चन का आंसर मौजूद है जो कि ऑर्थोरोम्बिक एंगल्स के बारे में पेपर में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ आते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, हाइड्रोजन एटम जो है उसका ऑर्बिट रेडियस जो है उसका पहला ऑर्बिट जो है उसका हाइड्रोजन एटम का जो पहला ऑर्बिट है उसका रेडियस कितना है, वो है 0.053 नैनोमीटर, ये इसका है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर एट की तरफ आते हैं, पाकिस्तान शेयर न्यूक्लियर एनर्जी, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एनर्जी कितने परसेंट शेयर की हुई है, तो वह 7.5% पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एनर्जी 7.5% शेयर की हुई है। क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ आते हैं, कासिम सुलेमानी डेथ रिटेलिएशन, कासिम सुलेमानी की डेथ का जो रिटेलिएशन के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था उसका करेक्ट आंसर है 3 जनवरी 2020, 3 जनवरी 2020 उसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर दस की तरफ आते हैं, 1945 से 1946 ये जो इलेक्शन मुस्लिम सीट्स, उसमें मुसलमानों की कितनी सीट्स थी, वो नेशनल असेंबली की थी 435/492 और प्रोविजनल असेंबली की थी 30/30। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं, एंटोनाइम ऑफ कनकॉर्ड, कनकॉर्ड एक लफ्ज है और इसका एंटोनाइम क्या है, इसका एंटोनाइम है डिसकॉर्ड डिसएग्रीमेंट, यानी कि कनकॉर्ड का जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका करेक्ट आंसर आएगा डिसकॉर्ड या डिसएग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं, आयोडीन डेफिशिएंसी इज, आयोडीन डेफिशिएंसी इज एंडेमिक गुइटर, आयोडीन डेफिशिएंसी से क्या होता है, एंडेमिक गुइटर होता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आते हैं, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ पंजाब इज, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ पंजाब कौन सा है, वो है साहिवाल। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं, शी टेक्स लेसन टू डैश हाउ टू टीच, शी टेक्स लेसन टू लर्न हाउ टू टीच, ये इसका करेक्ट आंसर है, लर्न जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं, डिवाइडिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स